राम राम जी, कैसे हो सभी। मैं हूँ एमके गुज्जर। तो दोस्तों, मैं वीडियो को शुरू करने से पहले, अपनी बात को शुरू करने से पहले आप लोगों से सिर्फ एक ही विनती करता हूँ कि इस वीडियो को पूरी ज़रूर सुने, पूरी देखें और उसके बाद कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मैंने जो भी बातें आपको बोली हैं, जो आपसे मैं कह रहा हूँ, क्या वो सच है, सही है या गलत है। ना मैं आपसे कह रहा हूँ कि वीडियो को लाइक कर दो, ना कह रहा हूँ आप कमेंट करना, ना मैं ये कह रहा हूँ शेयर करना। बस इतना कह रहा हूँ कि वीडियो को पूरी देख लेना और वीडियो पूरी देखने के बाद अगर बात अच्छी लगे तो शेयर करना, अगर अच्छी ना लगे तो बिल्कुल वीडियो को शेयर मत करना, बिल्कुल लाइक मत करना और बिल्कुल भी कमेंट मत करना। और चैनल अगर सब्सक्राइब किया हुआ है तो सब्सक्राइब को अनसब्सक्राइब कर देना, लेकिन बात को पूरी सुनने के बाद। तो दोस्तों, बात यह है कि आजकल इस दुनिया में इंसान क्या बनने की कोशिश कर रहा है, इंसान बनने की कोशिश नहीं कर रहा। वो पता नहीं अपने अंदर हर वक्त एक घमंड को लिए घूमता है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तू वो है, तू ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। हर वक्त अपने पैसे की मैं होती है इंसान के अंदर, जात पात होती है। ये जातिवाद क्यों फैला रहे हो? जाति क्या होती है इस दुनिया में, क्या आप लोगों ने कभी सोचा है? जाति होती है एक इंसान की जाति, एक पशु जाति और ऐसी ही बहुत सारी जातियां हैं, पशु, पक्षी, इंसान, ये जातियां होती है। ये गुजर, जाट, ब्राह्मण, नाई, ठाकुर, राजपूत, ये जाति नहीं होती। हम सब एक इंसान हैं, हम सब एक इंसान हैं, एक जैसा खून है, एक जैसा तन है, सिर्फ रंग दो होते, काले या गोरे। लेकिन दोस्तों, इंसानियत के हिसाब से हमें जीना चाहिए। हमें अपने दिल में प्यार, विनम्रता, सहनशीलता और सद्भावना बना करके रखनी चाहिए। कभी भी हमें जात पात के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। ये जात सिर्फ हम लोगों ने अपने आपे को ऊंचा दिखाने के लिए जाते बनाई है कि मैं जाट हूँ, मैं गुजर हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं नाई हूँ, मैं ठाकुर हूँ, मैं राजपूत हूँ। अरे क्या है ये जात पात? आजकल कुछ दिनों से एक मसला बहुत चल रहा है, कभी जाट और गुजर की लड़ाई चल रही है, उनमें झगड़ा हो जाता, फिर उसके बाद वे वापसी भाईचारा बनाते हैं। फिर कभी गुजर और ठाकुर की लड़ाई हो गई, फिर झगड़ा हो गया, उसके बाद फिर उन्होंने गलती की माफ़ी मांगी, कह रहे भाईचारा बनाओ, भाईचारा बनाओ। अरे भाईचारा ऐसे नहीं बनता। जब तक दिल में सद्भावना, प्रेम, विनम्रता, सहनशीलता, अगर इंसानियत आपके अंदर नहीं होगी ना, तो कुछ भी नहीं है। तो मैं सभी से हाथ जोड़ करके सिर्फ एक ही प्रार्थना करता हूँ कि चाहे ज़िंदगी में कुछ बनो या मत बनो, लेकिन एक इंसान ज़रूर बनो, क्योंकि इंसान बनना हर किसी के बस की बात नहीं है। दोस्तों, मनोरंजन के लिए आप लोग ये जो कलाकार जाती है लोगों की, ये मनोरंजन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए वीडियो बनाते हैं, गाने बनाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उन चीज़ों को सुन करके और उस चीज़ का गलत फ़ायदा अपनी रियल लाइफ में उठाओ। नहीं, ये चीज़ आपके मनोरंजन का सौदा है सिर्फ, कि आपका माइंड फ्रेश हो सके, तरोताज़ा रह सके, आप एंटरटेन कर सके। मैं सभी कलाकारों से भी और सभी बहन भाइयों से, दोस्तों से एक ही बात बोलना चाहूँगा कि किसी भी चीज़ को सीरियसली गलत मत फैलाओ, अच्छी चीज़ों का हमेशा समर्थन करना चाहिए। तो बस इतना ही कहूँगा कि चाहे ज़िंदगी में कुछ बनो या ना बनो, लेकिन इंसान ज़रूर बनो, वो भी एक सच्चा इंसान। दिल से किसी की मदद करो, दिल से किसी की बात सुनो
और दिल से किसी को प्यार दो, प्यार करो। धन्यवाद। अगर बात अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना, वरना चैनल को अनसब्सक्राइब करके और वीडियो पे कमेंट कर देना कि आपकी बात बिल्कुल गलत थी। धन्यवाद दोस्तों।